सब्सक्राइब कीजिए टीम्स फॉर विन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैंटेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वह कल होने जाने वाला न्यूजीलैंड वुमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ओटागा वुमेन और सेंट्रल डिशेज वुमेन के बीच में। तो सुपर स्मैश का डे वन जो था मिला जुला सा रहा था। वुमेन वाला काफ़ी अच्छा गया था हमारे लिए और मेन्स वाले में उतना अच्छा हम नहीं कर पाए थे। लेकिन मैंने आपको सीजन के शुरुआत से ही बताया हुआ है, सिर्फ सुपर स्मैश को लेकर नहीं, ओवरऑल न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट में आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही ज़्यादा आपको अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और कभी कभार वो परसेंटेज प्लेयर भी हो जाते हैं, तो वो बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में जितना है वो तो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता ही हूँ। बाकी उसके बाद लक का यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है इस पर्टिकुलर कंट्री के डोमेस्टिक सर्किट में, ठीक है। बाकी आपने देखा ही होगा कि जो फोर डे मैचेस वगैरह होते हैं वहाँ पर तो फिर भी सही चल रहा है फिलहाल इस सीज़न में, या फिर दूसरे किसी कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। और इसीलिए इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, कभी भी ओवर एक्साइटमेंट आपको यहाँ पर रखना नहीं होता है। हारोगे भी तब भी एक्साइटेड नहीं होना है, जीतोगे भी तब भी एक्साइटेड नहीं होना है, बिल्कुल इक्वल कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पर हर मैचेस आपको खेलने होते हैं। अगर लास्ट मैच डे की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि वुमेन वाला अच्छा गया था और मेंस वाला उतना अच्छा, एक चीज़ तो आप समझ ही सकते हैं पहले मैच को देखकर, अगर आप पहले नहीं खेले होंगे तो, कि ये जो मैचेस होते हैं स्पेशली वुमेन मैचेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स या ट्रेंड्स के हिसाब से आप नहीं जा सकते। कुछ नाम होंगे उनको आप कंसीडर कर सकते हो, ऑफकोर्स वो पुराने प्लेयर्स ही होंगे और वो लगभग सभी की टीम में होते भी हैं, लेकिन बहुत हद तक कॉमन सेंस की चीज़ें और ऑब्जर्वेशन यहाँ पर काफ़ी काम पे आता है, ठीक है। लास्ट मैच में भी हमने यही बेसिस पे टीम बनाया हुआ था, काफ़ी सारे लोग हो सकता है वेलिंगटन को सपोर्ट ही कर रहे थे, वेलिंगटन के सपोर्ट में ही टीम बना रहे थे, लेकिन इतना डोमिनेटिंगली टीम नहीं बना रहे थे जितना डोमिनेटिंगली हमने टीम बनाया था। 7-4 कॉम्बिनेशन हार्ड हिटिंग हमने बना दिया था, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा था। एक दो चेंजेस और बहुत ही बढ़िया जीएल का रैंक हो सकता था, टॉप 5 के भीतर हम आ सकते थे स्मॉल लीग की टीम से। तो वही बात है कि यहाँ पर कॉमन सेंस काफ़ी हद तक चलता है। बाकी उसके बाद देखिए लक का, जो मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, हमेशा आप जो सोच रहे हैं वो होगा ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर होता है तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कुछ हो सकता है। वुमेन मैच की बात कर रहा हूँ, मेन्स मैच में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ओवल डनडेन में, जो कि ओटागो का घर है। पिछला सीजन जो था ओटागो का बहुत ही बुरा गया था, क्योंकि उनके तरफ से कोई भी उस तरह से डिपेंडेबल बैट्समैन नहीं थे केटी मार्टिन को छोड़ के। सेकेंड लास्ट सीजन में उनके तरफ से फिर भी सूजी बेट्स थी, ऑस्ट्रेलिया से वो एमांडा वेलिंगटन को लाए थे और भी एक आध प्लेयर थे उनके तरफ से, अच्छा कर रहे थे वो। लेकिन पिछले सीजन में ना ही सूजी बेट्स थी कोरोना के चलते, ना ही ऑस्ट्रेलिया से कोई प्लेयर्स को वो ला पाए थे, तो बैटिंग बहुत खराब चल रहा था। बॉलिंग लेकिन उतना बुरा उनका नहीं था, अगर अनलेस कि वो वेलिंगटन या कैंटरबरी जैसे स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट में आए, ओवर उनका बॉलिंग उतना अच्छा बुरा नहीं था, लेकिन बैटिंग बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा था। इस सीज़न में लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और ये चेंजेस हमने जो हैलीबर्टन जॉस्टोशिल हुआ है, मतलब जो 50 ओवर टूर्नामेंट हुआ है वहाँ पर भी फॉलो करा हुआ था। वो चेंजेस क्या क्या हैं मैं आगे आपको बताऊँगा। बात करते हैं अगर सेंट्रल डिशेज टीम के, तो इनके पास लगभग अपना पूरा स्ट्रेंथ था, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, एक आध प्लेयर की ही कमी रही होगी, लेकिन उनके जो मेन टैलिस्मैनिक प्लेयर्स होते हैं वो थे उनके तरफ से, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस इन्होंने करा था। बीच में कुछ जीत उन्होंने ज़रूर दर्ज करी थी, लेकिन ऐसा एक भी मैच मुझे याद नहीं आता है जहाँ पर सेंट्रल डिशेज वुमेन की टीम कह सके नहीं हमने डोमिनेट करा है, ठीक है। जीती ज़रूर होगी वो किसी ना किसी मैच में, लेकिन डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं था, ना ही बैटिंग से ना ही बॉलिंग से, ठीक है। उसका एग्जांपल अगर हम आगे आएंगे तो आपको दिख भी जाएगा, पिछले सीजन में ये दोनों लास्ट दो पायदानों की टीम है, लेकिन इस रैंकिंग से मत चले जाइएगा, स्पेशली ओटा को वोमेन की तरफ से। आगे क्यों मैं बताऊंगा आपको, आखिरी 5 मैचों में ओटा को यहाँ पर 3-1 से आगे चल रही है, ठीक है, और एक मैच का रिजल्ट रहा है। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी ओटागो का रिकॉर्ड बुरा नहीं है, पिछले सीजन में इतना खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी वो 3 में से 2 मैच जीते थे और उसके पहले वाले मैच में 4 के 4 ही मैच उन्होंने जीत हासिल करे रखे हैं। ये कुछ परफॉर्मर्स थे जिनमें से नैटली डॉट पिछले सीजन में बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर चल रही थी, बैटिंग से अकेली मैं कहूँगा जिन्होंने कुछ परफॉर्म करा था। इसके अलावा एनलो वैन डेवेंटर के कुछ परफॉर्मेंस था, बाकी खास कुछ किसी का नहीं था। नैटली डॉट इस सीजन में अभी तक उतना अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाई है 50 ओवर टूर्नामेंट में, देखना पड़ेगा T20 मैचेस में वो अपना मोमेंटम गेन कर पाती है या नहीं। काफ़ी सही प्लेयर है, कीपिंग भी कर लेती हैं और बैटिंग में कंसिस्टेंसी काफ़ी देती हैं ये, ठीक है, मतलब डिपेंडेंसी भी आप इनसे उम्मीद रख सकते हैं। बाकी जो इनके बैट्समैन हैं जैसे कि जेस वाटकिन हो गई, हैना रोवे, ये मेजर इनके बैट्समैन होते हैं, समझ लीजिए यही सीजन परफॉर्मर होते हैं, तो इनसे आप इतना डिपेंडेंसी उम्मीद नहीं रख सकते जितना नटाली डॉट देती है,
ठीक है, आगे बातें करेंगे कि मैंने मोटा गोमेन की तरफ से केटी मार्टिन अकेले ने बताया। इसके अलावा पॉली इंग्लिश ने बीच बीच में एक आध इनिंग्स खेला हुआ था, लेकिन खास किसी का भी उतना नहीं था। नोटिस नैटली डॉट को अलावा 30 का भी औसत किसी का नहीं था बैटिंग से, ठीक है, इतना कम तो आप शायद उम्मीद नहीं करेंगे T20 सर्किट में। बॉलिंग पे सेंटर की तरफ से किसी का भी नाम बताने लायक नहीं था, लेकिन ओटावा की बॉलिंग अच्छी रही। एमा ब्लैक और ओल्डरशॉ ने अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था, अगर हम बेस्ट परफॉर्मर्स की बात करें। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स थे, एक आध मैच में परफॉर्म उन्होंने करा था। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं हिस्टोरिकली तो क्या क्या हुआ है। कुछ पुराने प्लेयर्स के नाम आपको यहाँ पर मिलेंगे, कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे जो शायद कल के मैच में खेल सकते हैं, सबके बारे में आगे बातें करेंगे। लेकिन मैचेस देखते रहो क्या हो रहा है, ठीक है। ओटागो बनाम कैंटरबरी सेंट्रल का मैच हुआ था, यहाँ पे ये होता लिंकन में, न्यूट्रल वेन्यू था शायद। ओटागो ने बना था 129, सूजी बेट्स, हैना डोवेक, क्लॉडिया ग्रीन, इनके विकेट्स थे। सेंट्रल डिशेज की यहाँ पर बैटिंग हो गई कोलैप्स, 9 विकेट में गिरे। नोटिस करो एक चीज़, ठीक है, 9 विकेट में गिरे। अच्छा, लीसा ग्रिफिथ ये भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, ये भी कभी कभार खेलती थी ओटागो के होकर। बाकी एमा ब्लैक का 1 विकेट, एनलो वैन डेवेंटर का हाईएस्ट स्कोर था 33 का। बाकी भी कोई बॉलर जरूर रही होंगी जो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन बताने लायक जो चीज़ है कि बैटिंग यहाँ पे कोलैप्स हुआ था, 9 विकेट गिरे थे। कोई ना कोई बॉलर जरूर रही होंगी, लेकिन वो मतलब विकेट्स उन्होंने निकाला था, ठीक है। अगला मैच 2020 वाला मैच ये होता नेपियर में, इस बार भी ओटागो ने पहले बैटिंग करा और काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया। मिली कोवान जो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है, बाकी हेली जेंसन आपको दिख जाती है, हैना रोय के यहाँ पर विकेट से। सेंटर एशिज वोमेन का बैटिंग वापस से यहाँ पर कोलैप्स, ठीक है, 10 विकेट उनके गिरे। लीड करा किसने, कार्सन, बाकी हेली जेंसन का एक विकेट भी था और एनलो वैन डेवेंटर ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करा था, लेकिन कुछ खास फायदा ऑफकोर्स हुआ नहीं। इस बार ये हुआ था डर्नेडिन में, तो पहला मैच हमें जो मिल रहा है डर्नेडिन का। सेंटर एशिज वोमेन ने यहाँ पर भी पहले बैटिंग करी, लेकिन बैटिंग यहाँ पर भी उतना अच्छा नहीं रहा। ऑल आउट तो नहीं हुए वो, लेकिन सिर्फ 104 रन और 6 विकेट उन्होंने खोया था। रोए का कुछ परफॉर्मेंस है, एमा ब्लैक यहाँ पर लीड कर रही थी बॉलिंग से। ओटागो ने वापस से इजीली जीत हासिल कर लिया, बिली कोवान और जेस वाटकिन ने यहाँ परफॉर्म करा हुआ था। दूसरा मैच जो डर्डन में हमें देखने को मिल रहा है, क्या सिमिलरिटी है, फिर से सेंटर रिसीवर मैंने पहले बैटिंग करा, यहाँ पर पहले बैटिंग करा 104 6 विकेट नुकसान पर, यहाँ पर पहले बैटिंग करा 102 7 विकेट नुकसान पर, 2 रन और कम बने और 1 विकेट ज़्यादा उन्होंने खोया, ठीक है। क्या हुआ और यही 20 26 21 के परफॉर्मेंसेस आए, ब्लैक वापस से आपको दिख रही हैं, हेली जेंसन वापस से आपको दिख रही हैं, इसके अलावा भी ओल्डरशॉ और कार्सन ने भी यहाँ पर एक एक विकेट निकाला हुआ था। ओटागो ने फिर से यहाँ पर इजीली चेस कर लिया, मिली कोवान अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी इंग्लिश, वाटकिन, ग्रीन, रीस, इनके परफॉर्मेंसेस थे। और लास्ट जो मैच हुआ था ये हुआ था न्यू प्लाईमाउथ में, जो कि सेंट्रल डिशेज वुमेन का घर होता है। 17 ओवर का मैच हुआ था यहाँ पे, तो 126 रन बनाया था सेंट्रल डिशेज वोमेन ने। लीड करा था एनलो वैन डेवेंटर, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करती थी ये, लेकिन अवेलेबल नहीं है। बाकी वाटकिन और हैना रोय के कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। एमा ब्लैक, जेंसन, ये दो नाम कंसिस्टेंटली यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैच थोड़ा छोटा हो गया था, ठीक है, पता नहीं डेथ ओवर में क्या होता, लेकिन यहाँ पर विकेट ज़्यादा नहीं गंवाए थे। और ओटागो को भी सिर्फ 8 ओवर खेलने को मिला था, जहाँ पर उन्होंने 59 रन बनाए थे, जो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। नोटिस कर सकते हैं 7 के ओवर रन रेट था, 3 विकेट ही गिरे थे फिर, लेकिन डकवर्थ लुईस का क्या मामला है पता नहीं, और यहाँ पर ओटागो हार गई थी। और यही एक लौता मैच है आखिरी 5 में जहाँ पर सेंट्रल डिशेज वोमेन जीती थी, ठीक है, कैसे हालत में वो जीते थे आप देख सकते हैं। लेकिन जब भी पूरा मैच हुआ है क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं आप नोटिस कर सकते हैं। विकेट्स यहाँ पर भी 3 ही गिरे थे, नोटिस करो ओटागो के कितने विकेट्स गिर रहे हैं और सेंट्रल डिशेज कितने। यहाँ पर 17 ओवर था, चलो मान लिया 3 विकेट इनके गिरे, 3 विकेट इनके गिरे। उसके बाद ओटागो वापस से 3 विकेट, सेंट्रल डिशेज के 7 विकेट। ओटागो का वापस से 3 विकेट, सेंट्रल डिशेज के 6 विकेट। ओटागो पहले बैटिंग कर रही फिर भी 3 विकेट, सेंट्रल डिशेज 10 विकेट। उसके पहले आएंगे आप, ओटागो पहले बैटिंग कर रही है 4 विकेट, सेंट्रल डिशेज के 9 विकेट, ठीक है। साल बदलते जा रहे हैं, प्लेयर्स बदलते जा रहे हैं, लेकिन चीज़ें सिमिलर रह रही हैं। लास्ट मैच को छोड़ के, मतलब जो कि पूरा मैच नहीं हुआ था, उसके अलावा तो किसी भी मैच में 4 विकेट निकाल ही नहीं, 4 से ज़्यादा विकेट निकाल ही नहीं पाई है सेंट्रल डिशेज वोमेन की टीम, ठीक है। और लास्ट मैच भी जो वो जीते भी थे तब भी उन्होंने 3 ही विकेट निकाला था, मैच कुछ अलग भी हो सकता था अगर पूरा होता तो, लेकिन जो भी हो, ठीक है, वो जीते हैं, वो कैलकुलेशन में वही आया कि वो जीते हैं। तो एक चीज़ तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियरली समझ सकते हैं, फुल ऑन डोमिनेशन है यहाँ पर ओटागो का। इवन जो मैच वो हारे भी थे, मुझे पता नहीं कि डकवर्थ लुईस क्या कैलकुलेशन होता है, वहाँ पे वो है जीत भी सकते थे, ठीक है। बैटिंग से भी आप कह लीजिए, बॉलिंग से भी आप कह लीजिए, बैटिंग फर्स्ट करके 180 के ऊपर उन्होंने बना के रखा है, यहाँ पे आपने देखा होगा।
कुछ प्लेयर्स थे ऑफकोर्स वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो हुआ है हम वह बताते हैं। अगर वो ज़्यादा स्कोर नहीं भी बना पाते हैं तब भी इतना तो बना ही देते हैं कि वो इजीली जीत पाए एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। 130-125-30 के ऊपर रन बनाए हैं और चेजिंग करके भी इजीली चेज करा है, तो फुल ऑन डोमिनेशन हमें देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है। अगर हम इंडिविजुअल पे आ जाए तो यहाँ पर खास कुछ नहीं है, स्पेशली सेंट्रल की तरफ से बताने के लिए नहीं है। ओटागो की तरफ से दो नाम आपने ज़रूर से नोटिस करा होगा, एक है इमा ब्लैक जिन्होंने सिर्फ बॉलिंग से कंट्रीब्यूट करा है, बाकी दूसरी है हेली जेंसन। हेली जेंसन ने बैटिंग से भी जब भी मौके मिले हैं उन्होंने परफॉर्म करा है, बॉलिंग पे भी उन्होंने विकेट्स निकाल के रखे हुए हैं जब भी उन्होंने बॉलिंग करी हुई है। सेंट्रल डिशेज की तरफ से स्पेशली बॉलर्स ही यहाँ पर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनमें से हमें रोवे देखने को मिली है एक बार, और ऊपर अगर आएंगे वाटकिन, ग्रीन, मोनिक रीस का एक एक करके विकेट, उसके ऊपर आएंगे तो वाटकिन के दो विकेट्स, तो वाटकिन का नाम दो बार आ गया है। ऊपर आएंगे तो हैना रोए, तीन विकेट, इनके भी दो बार नाम आ गए हैं, और हैना रोए ग्रीन, ठीक है। तो हैना रोए के तीन बार नाम आए हैं, ग्रीन के दो बार और वाटकिन के दो बार, यही परफॉर्मर्स होते हैं, यही परसेंटेज प्लेयर भी हैं और इन्हीं का परफॉर्मेंस है, सही है। इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, बाकी बैटिंग से बातें जितनी कम करें उतनी ही बेहतर। एंड्रो वैन डेवेंटर एक नाम हमने देखा था फिर भी, लेकिन वो तो अवेलेबल हैगा नहीं, तो बातें करके फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है, 20-25 के भीतर किसी का स्कोर होगा लेकिन खास कुछ उस तरह से नहीं। अभी हम आएंगे ग्राउंड के बारे में बातें करने के लिए, ठीक है। हेड टू हेड में आपने जो दिखाना था मेरे को मैंने दिखा दिया है, आगे मैं कुछ और बातें भी करूँगा उनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। तो 2018 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। ओटागो बनाम कैंटरबरी का मैच हुआ था यहाँ पर, ओटागो ने बनाया था 164। केटी मार्टिन आपको दिख रही है, बाकी कोई बताने के लिए नहीं है, यहाँ पर बॉलिंग काफ़ी ख़राब रहा था और वो हार गए थे। 2019 का यह पहला मैच था, 6 ओवर का मैच था, जान देते हैं। उसके बाद ये लास्ट हेड टू हेड था, ये भी आपने ऊपर देख लिया, ये भी जान देते हैं, ये भी मेरे ख्याल से हेड टू हेड ही था, ये भी जान देते हैं। उसके बाद ओटागो बनाम विलिंगटन का मैच हुआ, यहाँ पर विलिंगटन ने बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस करा था, आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है, सोफी डिवाइन ने यहाँ पर फास्टेस्ट 100 मारा था, 28 या 30 ऐसे कुछ बॉल में उन्होंने 100 मारा था। बाकी इसके अलावा हेली जेंसन, केटी मार्टिन, इनके परफॉर्मेंसेज हैं। ओटागो बनाम नॉर्दर्न डिशेज का मैच हुआ था, यही एक बराबरी का मैच था। ऊपर जो आपने मैचेस देखे हैं ना, ये जो स्पेशली पिछले सीजन के मैचेस हैं, उनके पास बैटिंग में कोई थे नहीं, बॉलिंग भी उतना कुछ वर्ल्ड क्लास नहीं है कि सोफी डिवाइन, एमिलिया कर्क, विलिंगटन को वो बीट कर पाएं। उसके पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तो उन्होंने जीत हासिल करा था, जो आपने ऊपर देखा भी, उसके पहले ये वाला मैच जो था यहाँ पर भी उन्होंने जीता था, ये तो चलिए 5 ओवर 6 ओवर का मैच हो गया। उसके बाद कैंटरबरी, ये भी स्ट्रॉन्ग टीम थी उस समय, तो उनके अगेंस्ट भी हारे, और ये एक मैच था बराबरी का। तो क्या हुआ, ओटागो ने पहले बैटिंग करी, केटी मार्टिन आपको दिख रही है, कई बार इनका नाम आया है, बाकी पॉली इंग्लिश ये भी बीच बीच में कभी कभार रन बना देती थी, मतलब जब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे इनके ऊपर, तब भी आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करके रखा हुआ है। कंसिस्टेंट ऑफकोर्स नहीं रही है, लेकिन मौके मिलने पर इन्होंने भी कुछ हद तक काम करके रखा हुआ है। बाकी बॉलिंग से इमा ब्लैक, कार्सन और ये कुछ थे, मॉली लो, ओल्डशॉ और हेली जेंसन के परफॉर्मेंसेस रहे हैं, ठीक है। कंसिस्टेंटली यहाँ पर कुछ उस तरह से बताने के लिए नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें हैं मैंने आपको समझाई हैं, ग्राउंड से बहुत कुछ रेलिवेंट हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए कुछ टीमें होती हैं जिनके पास मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है, जैसे कैंटरबरी स्पेशली पिछले सीजन में जो चल रही थी, अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं करा है उतना अच्छा, लेकिन आप इनसे बहुत कुछ उम्मीदें रख सकते हैं। विलिंगटन की टीम होती है तो उनके अगेंस्ट में हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बाहर ओटागो ने अच्छा करा है, यहाँ पे वो जीते हैं मेजोरिटी ऑफ द मैचेस, जो आपने ऊपर देखा भी है। बैटिंग फर्स्ट में या फिर बैटिंग सेकंड में वही गिने चुने कुछ नाम है, केटी मार्टिन, हेली जेंसन, इसके अलावा बॉलिंग पे इमा ब्लैक, कार्सन का कभी कभार नाम आ रहा है, आपने नोटिस करी होगी। कार्सन का एक जो ऑब्जर्वेशन है मेरा, कि हो सकता है कंसिस्टेंट विकेट टेकर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जब भी विकेट लेती है ना, या तो मतलब एक या जीरो ऐसे रहेगा, या फिर वह बंचेस में विकेट लेके जाएंगी, इकोनॉमी का बोनस आपको देंगी, मेडन वगैरह निकालेंगी और LBW वगैरह ऐसे आपको बोनस देकर जाएंगी, मतलब काफ़ी पॉइंट्स जो देखी जाती हैं जब भी वो विकेट लेती हैं, मतलब सही से, ठीक है। यही कुछ है और कुछ खास यहाँ पर बताया गया नहीं है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में, ग्राउंड से बहुत कुछ डिटेल में नहीं मिला है या फिर एक्स्ट्रा कुछ हमें नहीं मिला है, वही जो ऊपर नाम थे यही वो भी यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में सेंट्रल की तरफ से, तो देखिए पिछले सीजन में एटकिंसन से ओपनिंग कराई जा रही थी, ये बैटिंग कर सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हिटिंग के लिए ही इनको भेजा जा रहा था, बाकी देखना पड़ेगा। बाकी इनको बॉलिंग ढंग से मिल जाती थी, तो इनसे बैटिंग की आप बहुत उम्मीद ना ही रखें तो बेहतर, लेकिन बैटिंग इनको मिलती है, 10-15 रन भी अगर बना देते हैं ना तब भी काफ़ी इफेक्टिव हो सकती हैं आपके लिए। बाकी नैटली डॉड है,
जो आपको जेन्युइन एक बैटिंग ऑप्शन है, कनिंगहम, हैनारोवे, टॉमलिंसन, मिकाइला ग्रेग, अस्तुति कुमार, केट गैगिंग जो सिर्फ मतलब 11 जनों का प्लेस भरने के लिए आएंगी और कोई काम इनका होगा नहीं, क्लॉडिया ग्रीन, मिकाइला हैंसन या मेलिसा हैंसन शायद इनका नाम है। अच्छा, तो अभी कौन कौन से प्लेयर हैं और किनको हमें कंसीडर करना है, बातें करते हैं। ऑलरेडी आपने ऊपर तो यह समझ दिया ही होगा कि कौन से टीम के सपोर्ट में हम टीम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ऑफकोर्स सेंट्रल डिफेंस तरफ से हम ज़्यादा प्लेयर्स लेंगे नहीं, लेकिन अगर लेंगे तो किसको लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जेस वाटकिंस की, क्योंकि ये परसेंटेज कैप्टन है अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सभी को पता है कि ओपनिंग करेंगी, बैटिंग बॉलिंग सब करेंगी, सब कुछ सही है, लेकिन अगर हम डेप्थ पे जाएं तो जेस वाटकिंस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इस फिक्चर में। एक मैच में 2 विकेट, एक मैच में 1 विकेट, इसके अलावा बैटिंग से तो बातें कम करें, जितनी उतनी ही अच्छी है। अगर हम जो 50 ओवर टूर्नामेंट्स के मैचेस हुए हैं अगर हम उनकी बातें करें, तो इन दोनों टीमों के बीच में मैच वहां पे भी हुआ था, सही है। एक मैच में जेस वाटकिंस ने 4 विकेट निकाला हुआ है, बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूशन उनका नहीं रहा है। तो अभी मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप इनको कैप्टन नहीं बनाइए, क्योंकि इनके पास एक्सपोजर ज़्यादा आएगा, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं कि इनसे भी बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। अभी क्या है, समझ दीजिए कि आप जिन प्लेयर्स को भरोसा कर रहे हैं उन्होंने अच्छा करा। जेस वाटकिंस क्या कर रही है, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से कुछ ना कुछ इधर से थोड़ा कलेक्ट करके उनका पॉइंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो जेस वाटकिंस अभी भी आपकी, अच्छा टीम में तो हमारे होंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैप्टनसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी सेफ ऑप्शन होंगी, लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शन हैं और वो कौन कौन से हैं मैं आगे बातें करूँगा, ठीक है। उसके बाद आती है एटकिंसन। एटकिंसन अगर बॉलर सेक्शन में होती तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता, ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बाकी देखेंगे हम किस तरह से इनको मैनेज कर पाते हैं। नैटली डॉट कीपर सेक्शन में है, इनको कब लेना है और कैसी सिचुएशन में लेना है मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि आप ज़्यादा कीपर लेने की कोशिश नहीं करेंगे इन मैचेस में, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बॉलर्स बॉलिंग ऑलराउंडर्स जो हैं वो ज़्यादा पॉइंट्स देखे जाते हैं, तो 20-25 रन के लिए आप किसी कीपर को या बैट्समैन को लेंगे नहीं। तो वही बात है, कहाँ पर लेना है मैं बताऊँगा, लेकिन कि एक सिचुएशन आएगा जरूर जहां पे नैटली डॉट का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। कनिंगहम ले सकते हैं आप, बैटिंग सेशन में होंगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैनारोवे ऑफ कोर्स हम कोशिश करेंगे इनको मैनेज करने की, लेकिन इनका भी हमने देखा खास कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं है, बैटिंग से भी कुछ खास नहीं है, बॉलिंग से उन्होंने 1 बार 2 विकेट 3 विकेट निकाला हुआ था, बस वही है, देखना पड़ेगा किस तरह से हम मैनेज कर पाते हैं इनको। टॉमलिंसन का भी वही है, बैटिंग सेशन में होंगी तो कोई बातें करके फायदा नहीं है। मिकाइला ग्रेग ने अच्छा करा हुआ था जो 50 ओवर टूर्नामेंट्स हुआ था, बैटिंग से स्पेशली काफ़ी उन्होंने डिपेंडेंसी दिखाई ही थी, बॉलिंग ज़्यादा नहीं कराई जा रही है इनसे, लेकिन बैटिंग से अच्छा करा था, लेकिन सिर्फ बैटिंग की वजह से इनको हम लेंगे नहीं क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में है। अस्तुति कुमार अच्छा कर रही थी, बॉलिंग सेक्शन में एक अच्छी ऑप्शन है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह काम पे आ सकती है, जैसा कि आपने ऊपर देखा भी कि यहां तक बैटिंग भी आ जानी चाहिए अगर हम रिकॉर्ड्स की माने तो, बाकी बॉलिंग भी इनसे ढंग से कराई जा रही थी, पता नहीं कितना ओवर कराया जाएगा कल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ बॉलर्स ऐसे रहे थे, पिछले मैच में भी हमने ऑब्जर्व करा था ये कुछ बॉलर ऐसे रहे थे जो 50 ओवर टूर्नामेंट्स में रेगुलरली बॉलिंग मिलती थी, उनको एक ओवर का बॉलिंग नहीं मिला, और 50 ओवर के 3-4 मैचेस में जिनको एक ओवर का भी बॉलिंग नहीं मिला उन्होंने 3-4 ओवर की बॉलिंग करा दी। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, थीके? देखते हैं हम किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। केट गैगिंग का कोई फायदा नहीं है, क्लॉडिया ग्रीन इनकी तरफ से परसेंटेज बॉलर होने वाली है, ठीक ठाक ऑप्शन है, मैं खास कुछ रहूंगा नहीं, लेकिन मिकाइला हैंसन, मेलिसा हैंसन आप करना, मेलिसा हैंसन और अस्तुति कुमार दोनों एक ऐसे ऑप्शन है जो आपके लिए बैटिंग भी कर सकती हैं, ठीक है। बाकी बॉलिंग पे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से भी नहीं है, 1-2 विकेट की ही बात है, अभी 1-2 विकेट कौन लेंगी ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन हम हमारे टीम में जिन प्लेयर्स को रखने की पूरी कोशिश करेंगे वो होंगी जेस वाटकिंस, जॉर्जिया एटकिंसन, हैनारोवे, और यहाँ पर इन तीनों में से किसी 1-2 को हम रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए 4 प्लेयर्स हो गए, जहाँ पे अगर नैटली डॉट का कहाँ पे प्लेस बनेगा वो हम टीम बनाने के टाइम पे डिस्कस करते हैं। ओटागो की तरफ से बात करते हैं, एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि एक बार के लिए ओटागो की बैटिंग खराब हो भी सकती है, बहुत ख़राब अभी भी नहीं हुई है इस फिक्चर में, लेकिन हो भी सकती है, लेकिन बॉलिंग यहाँ पे उनके तरफ से कभी भी ख़राब नहीं हुआ है, और यही सेम चीज़ उनके तरफ से हमने देखा था 50 ओवर टूर्नामेंट्स के मैचेस में भी। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था, 2 मैचेस हुए थे और दोनों ही मैच पर धराशाई कर दिया था ओटागो वोमेन ने सेंट्रल डिफेंस वोमेन की टीम को, ये कुछ दिन पहले ये 50 ओवर टूर्नामेंट्स के मैचेस हुए थे, मैं बता रहा हूँ उसी की बात। पहले मैच पर 50 ओवर का गेम हुआ जब, तो ओटागो ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 2 विकेट खोया था और 290 के ऊपर स्कोर उन्होंने पहुँचाया था, जहाँ पर केट इब्राहिम जो इसी साल जुड़ी हैं कैंटरबरी से, इसके अलावा केटी मार्टिन और बेला जेम्स ने वहाँ पर ओपोनेंट को बैटिंग करने का मौका मिला था, इन सबने रन बनाया था, और बॉलिंग से एमा ब्लैक पहले मैच पर और मॉली लो वहाँ पर खेल रही थी, इन्होंने धागा खोल कर रखा हुआ था।
दूसरे मैच पर क्या हुआ, सेम चीज हुआ, लेकिन वहां पे ओटागो की बैटिंग जो है थोड़ा सा लड़खड़ाई थी और वो ऑल आउट हुए थे। दो विकेट पहले मैच में गिरा था लेकिन दूसरे में ऑल आउट हुए थे और वहां पे बॉलिंग से लीड करा था सेंट्रल डिशन तरफ से जेस वाटकिन ने। लेकिन एक चीज जो कंसिस्टेंट रहा वो रही ओटागो की बॉलिंग और सेंट्रल डिशन की बैटिंग। ठीक है, बैटिंग से वहां पे भी सेंट्रल डिशन की टीम कुछ खास नहीं कर पाई और बॉलिंग से वापस से वहां पर एमा ब्लैक चली थी। इसके अलावा वहां पर एक्स्ट्रा जो ऐड हुई थी वो थी एडन कार्सन या एडन या जो भी इनका नाम है। ठीक है, तो अभी अब ऑलरेडी तो आप समझ गए ही होंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स रखने हैं। मैं आपको यही कहूँगा मिनिमम तीन बॉलर आपकी टीम में ज़रूर से होने चाहिए, पॉसिबल हो तो चौथा बॉलर भी लेके चलो। स्पेशली अगर मतलब अगर टीम बॉलिंग फर्स्ट नहीं कर रही है तब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तब तो पाँच बॉलर भी आप लेके चल सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्या पता एक बार के लिए बैट्समैन फेल हो जाए, लेकिन जैसा हम ट्रेंड देख रहे हैं यहाँ पे और जैसा कि 50 और मैच भी हुए हैं, ऑल आउट तो मेरे ख्याल से फिर से होने वाली है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन की टीम। तो ये दोनों ओपनिंग करेंगी सूजी बेट्स और केटी इब्राहिम। सूजी बेट्स चार जो मैचेस खेली थी 50 ओवर मैच टूर्नामेंट में, तीन मैचेस में उन्होंने कुछ खास नहीं करा था, लेकिन चौथे मैच पर वो फॉर्म पर दिखी थी और काफ़ी ताबड़तोड़ बैटिंग उन्होंने करा था, जो कि आप उम्मीद रख भी सकते हैं सूजी बेट्स से। प्रॉब्लम एक ही हो रहा था उनको लेने में उस मैचेस में कि वो ऑलराउंडर में लिस्टेड थी, क्रेडिट भी हाई था उनका, तो हम ले नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी बैटिंग सेशन में शिफ्टेड हो गई हैं तो इनको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस क्रेडिट का इशू अगर नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के टी इब्राहिम अभी भी मुझे नहीं पता क्यों ऑलराउंडर सीजन में देकर रखा है इन्होंने इनको, क्योंकि ये ज़्यादा बॉलिंग कराती नहीं है। पिछले सीजन में बहुत ही कम मैचेस में एक आध ओवर की बॉलिंग वो कराती थी, बैटिंग से ही ये कंट्रीब्यूट करेंगी। अगर बैटिंग फर्स्ट होती है तब तो इनका प्रायोरिटी और ज़्यादा हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है ना जहाँ पे आप इनके ऊपर काम कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा रिस्क होगा क्योंकि ये परसेंटेज वाइस कैप्टन है, अभी के लिए कुछ लोग कैप्टन बना सकते हैं। कहाँ पे आप इनके ऊपर चार्ज रखते हो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद पॉली इंग्लिश है, मुझे लगता नहीं आप स्मॉलिंग में ले पाएंगे इनको, क्योंकि ऑलरेडी दो बेटर कीपर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तीसरा कीपर लेने का मतलब है कि आपको बॉलरों का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, जो आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहोगे। केटलिन ब्लेकली है, केटी मार्टिन डिफॉल्ट कीपर हो जाएंगी स्पेशली अगर ओटा को पहले बैटिंग कर रही है तो। हेली जेंसन, बिला जेम्स, ईडन कार्सन, ब्लैक, ओल्डरशॉ और मेरे ख्याल से मॉली लोही यहाँ पर खेलेंगी, क्योंकि 50 ओवर में इनको प्रायोरिटी दी गई थी। तो हमारे टीम में जो जो प्लेयर्स होंगे जरूर से, बेट्स को लेने में कोई दिक्कत अभी नहीं है क्योंकि बैटिंग सिस्टम में आ गई है। केटी मार्टिन और नैटली डॉट में से एक आपको लेना पड़ेगा, बहुत लोग दो को भी ले रहे हैं अभी जो परसेंटेज बता रहा है, लेकिन ऐसा करने से आपको कुछ बॉलर्स या ऑलराउंडर्स को छोड़ना पड़ सकता है और इन मैचेस में ये काम कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। केटी मार्टिन नहीं तो बेटर ऑप्शन ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ पे उनका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा हम आगे बात करेंगे। बाकी बैटिंग में ब्लेकली बिला जेम्स का ऑप्शन होगा, लेकिन इनके पास ढंग से बैटिंग आएगी या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। बाकी बॉलिंग में अगर हम बात करें तो एमा ब्लैक मस्ट हैव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओल्डरशॉ, मॉली लो दोनों को ही हम लेने की कोशिश करेंगे। अगर हम बहुत प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, एक को लेना पड़ रहा है, तो आप ओल्डरशॉ को ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हेली जेंसन ये भी मस्ट हैव है, जो आपने ऊपर भी नाम देखा होगा, और कार्सन ये हमारे लिए बहुत बड़े मतलब ब्लैक हॉर्स बन सकती हैं। कैसे मैं आगे समझाऊंगा। पिछले सीजन में जो हो रहा था हेली जेंसन, एमा ब्लैक, ईडन कार्सन और यहाँ पर ये जो दो बॉलर्स खेल रही थी और कभी कभार जेमा एडम्स खेलती थी, उनको यहाँ पर चार ओवर्स की बॉलिंग मिलती थी। तो उम्मीद अभी भी यही है कि यही कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा, क्योंकि बाकी ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन इनके पास है नहीं। इब्राहिम का ऑप्शन है, सूजी बेट्स अगर चाहे तो बॉलिंग करा सकती हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि इनसे ज़्यादा बॉलिंग की कम से कम कल के मैच में ज़रूरत पड़ेगी। बाकी यही कुछ है। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें तो देखिए वाटकिन का परसेंटेज कैप्टन है, उसके बाद हैनार होए, नैटली डॉट, एटकिंसन। नैटली डॉट को कुछ लोग ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं ले सकते हैं, कहाँ पे लेना है आगे हम बात करेंगे। जॉर्ज एसन अच्छी ऑप्शन है, लेकिन ऑलराउंडर सेक्शन में है, यही एक दिक्कत हो रहा है इनको लेने में। मिकाइल अग्रेक, अस्तुति कुमार बॉलर सेक्शन में होंगी, एक बैटिंग क्वेश्चन भी आपको दे सकती हैं। बाकी याद रखना एक आध विकेट का ही मामला है, ठीक है, और ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, आपको चांस ही लेना पड़ेगा, अगर चली तो चली, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकते हैं आप। ओटागो की तरफ से सूजी बेट्स और केट इब्राहिम के आसपास लोग जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेली जेंसन और केटी मार्टिन, रिस्की में कोई भी बॉलर, मैं बता रहा हूँ कोई भी बॉलर यहाँ पर ये आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है। नाम तो आपने सिर्फ ज़्यादा एमा ब्लैक के देखे होंगे या फिर कुछ क्षेत्रों में कार्सन का नाम देखा होगा, लेकिन कोई भी बॉलर यहाँ पर आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, और पॉली इंग्लिश उसके बाद। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की फुल टीम जो है वो आपको वहीं पे मिलने वाली है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप सर्च करोगे अपने टेलीग्राम के सर्च बार पे @teams4win तो 68-69,000 के आसपास सब्सक्राइबर दिख जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो फ्री में। वहाँ पर आपको टीम्स मिलती रहती है, ना सिर्फ क्रिकेट की बल्कि फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे गेम्स की भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन जरूर हो जाना, सब कुछ फ्री में है, सब
कुछ अभी के लिए है, तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है, अभी ध्यान से कुछ बातें सुननी है ना। देखो ये मैंने क्या करा है, मैंने सारे जो पॉसिबल बॉलिंग ऑप्शंस हैं मैंने रख लिया है ओटाको की तरफ से। अभी ये कॉम्बिनेशन ऑफकोर्स अगर ओटाको पहले बॉलिंग कराती है तभी काम पे आएगा, है ना, लेकिन अगर ओटाको पहले बैटिंग कराती है तब हम क्या अच्छा ये कॉम्बिनेशन ना रिगार्डलेस ऑफ टॉस भी काम पे आ सकता है, अगर जो प्लेयर्स को आप बैट्समैनों को छोड़ रहे हो बहुत ज़्यादा कुछ ना कर जाए। जैसे कि ऑलराउंडर सेक्शन में एक बैट्समैन है के टी इब्राहिम, याद रखना के टी इब्राहिम आपको बॉलिंग से पॉइंट नहीं देंगी, ये बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट करेंगी, तो ये समझ के चलना। अगर वो समझ लीजिए बहुत बड़ा कुछ नहीं भी करती हैं और आपने जो ऑलराउंडर्स लिए हैं वो इधर से थोड़ा उधर से थोड़ा करके पॉइंट कलेक्ट कर भी देती हैं तब भी काम बन सकता है, लेकिन ये एक थॉट प्रोसेस है। अगर वो बहुत ज़्यादा कुछ कर देती हैं हो सकता है तब आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी, 25-30 रन भी आपके लिए मैटर नहीं करेगा अगर जो प्लेयर्स आपने रखे हैं वो सही से क्लिक कर जाएं, तो मतलब एक आध विकेट ही काफ़ी होगा, मैं वही बात कर रहा हूँ। अच्छा तो के टी इब्राहिम आप ले सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में, हो गया। अगर आप के टी इब्राहिम लेते हैं तब आपको यहाँ पर एक प्लेयर छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में आपको के टी मार्टिन को तो लेना ही पड़ेगा, तो एक बॉलर आप छोड़ दीजिए ओल्डरशॉ और मॉलिलो में से। आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ओल्डरशॉ को लेके चलिए, मॉलिलो को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मॉलिलो ने 50 ओवर जो मैच हुआ था कुछ दिन पहले वहाँ पर उन्होंने भी धागा खोल के रखा हुआ था, ठीक है, तो दोनों में से एक को लेना है, ये आप पकड़ के चलो आप किसको लोगे ये आपकी मर्जी है, दोनों में से एक को लेंगे हम, के टी मार्टिन को ले लेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास एक बॉलर का स्लॉट खाली है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं क्लॉडिया ग्रीन को भी जो परसेंटेज बॉलर भी हैं, या फिर आप यहाँ पर आस्तुति कुमार या फिर मेलिसा हैंसन जैसे ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो क्योंकि ये बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेती हैं। चलो मैं यहाँ पर मेलिसा हैंसन के साथ ही जा रहा हूँ और बैटिंग सेशन में एक स्लॉट खाली है जो आप किसी को भी ले सकते हैं, आपका हथेरा क्रेडिट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा मैंने बना दिया। इससे क्या हो गया कि ओटाको पहले बैटिंग कर रही है तो हमारे पास तीन मेजर बैट्समैन आ गए हैं, ठीक है, यहाँ से जेस वाटकिन आ गई है, मेलिसा हैंसन आ गई है, दो बॉलर्स मैंने ले लिए हैं। रिस्क ही कहाँ पे होगा, रिस्क ही होगा कि मैं यहाँ पर रोए को नहीं ले पाया हूँ जिनको बहुत लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। रोए को मुझे लेना तो था लेकिन स्पेस नहीं मैनेज हो रहा है, आप समझ सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, देखिए मैं किसी भी तरीके से के टी इब्राहिम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर वो 30-35 के भीतर भी रन बना देती है ना तब भी आपके ऑलराउंडर्स के पास अपॉर्चुनिटी होता है कि वो उनको ओवरटेक करके जाए। और मैं अभी तक भी आपने देखा होगा कि मैंने कार्सन को हाथ नहीं लगाया है, उसके पीछे का भी रीज़न आपको पता ही होगा कि क्यों मैंने हाथ नहीं लगाया है। ये एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बॉलर है, शायद एक ही विकेट लेंगी या फिर नहीं भी लेंगी, लेकिन जिस दिन लेती है वो बंचेस में विकेट लेती है, और क्योंकि हम यहाँ पे बॉलिंग हैवी टीम बनाना चाहते हैं स्पेशली ओटाको की तरफ से, तो ऐसे प्लेयर को छोड़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है मेरे हिसाब से। हालांकि मुझे लगता नहीं कि कोई इनको स्मॉल लीग में लेगा, लेकिन अगर कोई ले लेता है या फिर अगर आपका समझ लीजिए बाकी जो आप प्लेयर्स ले रहे हैं वो सही नहीं चल रहे हैं और कार्सन अकेला ही कुछ अलग अलग लेवल पर कर जाती है, तो बाकी टीम अच्छा नहीं होने के बावजूद भी आप जीत सकते हैं, कार्सन का सिलेक्शन सही हो गया तो। ये एक थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, के टी इब्राहिम के जगह पर भी आप हैनन रोए को ले सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर के टी मार्टिन तो है, आप यहाँ पर एक्स्ट्रा बैट्समैन के तौर पे यहाँ पर ब्लेकली या बेला जेम्स में से किसी एक को ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा बॉलर ऐड जैसे मैंने पहले ऐड करा था आप वैसा भी कर सकते हैं, ये भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वाटकिन और हैनन रोए दो मेजर बॉलर हमारे लिए हो गई, बैट्समैन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप ले लो कोई वैसी कोई बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो स्ट्राइक बॉलर्स हो सकती हैं क्लॉडिया ग्रीन हो गई या मेलिसा हैंसन, उनका ही थोड़ा रिस्क रह जाएगा जिनको हमने मिस करा है। कार्सन के ऊपर मैंने अभी भी भरोसा रखा है, कार्सन एक चेंजेबल ऑप्शन है, ये पकड़ के चलना, ठीक है, ये बॉलिंग से ही आपको पॉइंट देगी, लेकिन इनके पास बॉलिंग से भी पॉइंट देने का इतना मतलब टैलेंट है, इतना इनके पास प्रोबेबिलिटी है इनके पास कि ये बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है, बस यही बात है। कैप्टन हसनन चॉइस की बात करते हैं, देखिए जेस वाटकिन के अगेंस्ट मैं बहुत नहीं हूँ, अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करती हैं आप इनको कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि ये डेथ ओवर में बॉलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ट्रेंड की माने, अगर हम रिकॉर्ड की माने, तो आपने देखा कि 3-4 ज़्यादा तो विकेट नहीं निकाला है सेल्टिक्स की टीम ने, अभी देखिए रिकॉर्ड टूट भी सकते हैं, हो सकता है कल ऑल विकेट डाउन भी हो जाए ओटाको की टीम, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो बिल्कुल जेस वाटकिन को आप कैप्टन बना सकते हैं अगर आपको कुछ भी रिस्क नहीं लेना है फालतू का। और वाइस कैप्टनसी के लिए आप किन की तरफ जा सकते हैं,
वाइस कैप्टनसी के लिए अगर बैटिंग फर्स्ट हो रही है, सूजी बेट्स या यहाँ पर जो इब्राहिम को हम ले नहीं पा रहे थे उनको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये हो गए परसेंटेज प्लेयर्स या फिर नाम वाले प्लेयर्स जिनके साथ लोग जा सकते हैं। अभी अगर मैं अपना सिलेक्शन बताऊँ जो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं, बैटिंग फर्स्ट में हेली जेंसन एक बहुत ही डिसेंट कैप्टन चॉइस बन सकती है। क्यों बैटिंग चॉइस में अच्छा चॉइस बन सकती है? तीन चार तक की बैटिंग आ जाएंगी और बॉलिंग पे ये वन ऑफ द कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं जिन्होंने यहाँ फिक्चर में अच्छा करा है, बैटिंग से भी अच्छा करा है वैसे तो, और ये चार ओवर भी अपना पूरा करा रही थी पिछले सीजन में और इस सीजन में भी आप उम्मीद से चार ओवर पूरा कराएंगे। तो हेली जेंसन एक डिसेंट ऑप्शन है वाइस कैप्टनसी के लिए ब्लैक या फिर यहाँ पे बाकी किसी बॉलर के साथ भी आप जा सकते हो अगर कुछ ज़्यादा ही रिस्क लेना है, और अगर सेफ जाना है तो आप सेफ जाओ, वाटकिन के साथ चले जाओ या फिर इब्राहिम के साथ चले जाओ, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। तो यही कुछ चीज़ें हैं, क्या थॉट प्रोसेस है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अच्छा, नैटली डॉट के बारे में कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी, मैंने बताया था कि नैटली डॉट के बारे में बताऊंगा। नैटली डॉट को कहाँ पे लेना है? अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वुमेन की टीम पहले बैटिंग कर रही है आप नैटली डॉट को ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने वहाँ पर सारे बॉलर्स ले रखे थे तो उनकी तरफ से नैटली डॉट को लेने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। केटी मार्टिन सिर्फ बैटिंग फर्स्ट में लेना, बैटिंग सेकंड में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है कि उनके पास ज़्यादा कुछ करने को रहेगा नहीं, ठीक है। एक बार के लिए आप पॉली इंग्लिश को भी ट्राई कर सकते हैं, उनको बैटिंग में कभी कभार प्रमोशन मिल जाता है अगर आपको कुछ देखना है तो, नहीं तो मुझे लगता है केटी मार्टिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास क्रेडिट भी बच जाएगा, स्पेस भी बच जाएगा एक एक्स्ट्रा ओटावा के प्लेयर लेने का। तो बैटिंग फर्स्ट में लेना, बैटिंग सेकंड में आप यहाँ पर एक चांस ले सकते हो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह यहाँ पर आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।